Hey guys, welcome back to my channel. So, आज हम लोग करने वाले हैं आज हम लोग कुछ करने वाले हैं क्या कुछ तो करने वाले क्या करने वाले हैं हम लोग हम मैं बताती हूँ कि क्या करने वाले हैं रुको तो हम लोग सोने वाले हैं सो जाओ तो आज हम लोग करने वाले हैं ये चैलेंज अरे क्या लग रहा है चैलेंज हाँ सुनो तो हाँ. कि जो ज्यादा जल्दी सोएगा वो मेरे तुम तो बहुत सोती हो अच्छा तुमसे कहा लेजी बहुत है आई नो नहीं मैं मेहनती बॉय बहुत ज्यादा नींद आ रहा है सो जाओ तो सोएंगे नींद आ रहा है तो सो ना नींद आ रहा है तो सो ना कॉपीराइट आएगा ना तो समझ में आया देखो आप ये क्या कर रहे हैं नहीं दिख रहा है छोड़िए कैमरा भी नहीं दिखाना चाहता इसको या देखो कैमरा तो तुमको ब्लर भी कर दे रहा है बीच बीच में वो तो तुम फिल्टर डाले हो इडियट अब तो जैसा समझे हो सबको तुम्हारे तो सब डोंकी नहीं है कॉपीराइट आ जाएगा दोनों का चैनल पे तुम क्यों ऐसा काम करती हो तो आज हम लोग करने वाले हैं सोने का चैलेंज स्लीपिंग चैलेंज नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आज है एक सिंपल और डिंपल बोरिंग डे जिसमें कि होने वाला है एक सिंपल सा व्लॉग और आज खाने में है फुला फुला क्रंची क्रंची कचौरी कचौरी से मेरे को कचौरी के साथ और कुछ खाना पसंद नहीं है तो मैं सिंपल कचौरी खाऊंगी क्योंकि तुम इतना खा ली कि कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं चलो है चलो एक दिन में आधा किलो खाया था इडियट इतना खा ली कि इसने सोची नहीं होगी फिर सोची नहीं होगी सॉरी हाँ जी अरे उठ भी जाओ यार सत व्लॉगिंग तुम करते हो हमने करते हैं तो गाइस व्लॉग में कुछ है नहीं करने को आज मम्मा बोली थी कि काढ़ा पिलाएगी अच्छा चुप रहने में दिक्कत नहीं हो रहा है फिर तुमने काढ़ा बनाते हैं पी लो हाँ तो क्या काढ़ा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा अच्छा लगना किसको वो है किसको चिंता है तुम्हारा अच्छा लगना तुम्हारा लगने का तो मम्मा को बोलते हैं मम्मा काढ़ा चलो चलते ओ कान्हा सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा ना इडियट कॉपीराइट करते हैं ना कॉपीराइट कचौड़ी बन गया तो अभी चल रहा है टीवी जिसको कोई देख नहीं रहा है कोई नहीं देख रहा है लिटरली तो ये पीछे कैसे सस हो गया ये ब्लर इट्स ऑल ड्रल ब्लर ब्लर हेलो और तुम भी क्यों आओगी लो और व्लॉग मतलब तुम्हारा लाइफस्टाइल और ये था दादी दिख गई लाइफस्टाइल दादी एकदम माने एक एति में रहबे करते गर्मी आएगा तब सॉल भी एक है ये सॉल भी नहीं छोड़ सकते हैं गरम रहता होगा दादी के पास
रखने का जगह दादी को शॉल नहीं देता है अनसब्सक्राइब लेकिन इसमें दादी को ठीक लगता है ऐसे ही बड़े में शॉल तो जरूर होगा दादी को हीटर भी चल रहा है चढ़ा रहा है हीटर चढ़ रहा है ये जाना तो कट गया कट गया ये जितने शॉल में आ रहा है लगता है दूसरे में ये जितने ओढ़े के लगता है कि ठंडे लग रहे हैं ये गाइस हम लोग का लाइफस्टाइल कैसा लगा आप लोग का हम लोग का लाइफ स्टाइल एक मिनट में तुम पूरा लाइफ स्टाइल दिखा दिया अपना एक मिनट नहीं यहाँ क्या लिखा है फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं एट आठ मिनट से हम लगातार बना रहे लगातार बोल रहे हो बोलो व्लॉग में क्या होता है व्लॉग का स्पेलिंग आता है क्या कुछ नहीं वीएल ओजी कुछ भी ना तो क्या वीएल ओजी कुछ भी हम लोग का जल्दी भूख लग जाएगा कचौड़ी बन रहा है कचौड़ी कचौड़ी और मटर का घुघनी बन रहा है मटर का घुघनी मम्मी इज अ वंडर शेफ आई एम नॉट अ वंडर शेफ क्या दे रहा है भाई इतना बोरिंग सा कोई थोड़ी पल है गणेश जी मर गए अभी गणेश जी का सर जोड़ेगा देखो पहले वो ऐसे नहीं थे पहले वो आदमी जैसे थे हमें रुकना नहीं चाहिए एकदम नहीं रुकना चाहिए आगे बढ़ते तुम लोग को भी जानना चाहिए लेकिन तुम लोग ये सब एकदम नहीं देखते तुम तो हनुमान जी वाला किताब बजरंग बली का ला के रखे हैं भाभ्या से तुम लोग को पढ़ के सुनाएंगे तुम लोग को ना कभी याद पड़ता है सुनने के लिए ना हमको कभी सुनाने के लिए वो किताब वो रखा हुआ है कहाँ है तुम थकने गए बिना बिना कंधे रखने से रहेगा अच्छा थकने से चलेगा काम बहुत गंदा स्मेल आया ओवर एक्टिंग नहीं है ना अदरक खराब है खा जाता है ना हो गया और थोड़ा थोड़ा ताजा ले तो ठीक है 11 मिनट पर एकदम थोड़ा थोड़ा लाती है ये लोग और फिर महंगा भी होता है तो महंगा रहता है ना 100 ग्राम 50 ग्राम लीजिए उतना में 1 kg हो जाएगा मार्केट में एक के जी खाए के लोगे नहीं नहीं बात बोल रहे हैं अभी तक किया तो जूता से मेरा बाल एकदम कर्ली है ऐसा तो ये इतना बड़ा ठीक है ऐसे आ जाता है यहाँ पे बाउंसी ओ ओ ओ मम्मा आप एक गाना सुना देंगी प्लीज बाप रे आप तुम एक गाना सुना दोगी कौन सा गाना जो आई एम अ डिस्को आई एम अ डिस्को डांसर टू डू 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 आई एम अ डिस्को डांसर भूल गया था क्या कॉपीराइट आता है कोई नहीं होता है कभी तुम्हारा साथ तो हर बार होता है देखो तुम कचौरी का सब रेसिपी बन गया नहीं उसका सिर्फ स्टफ वाला जो मसाला होता है वो बचा है अभी जा रहा है वो बचा है तो मैं आपको दिखलाऊंगा स्टफ मसाला कॉपी करती है खाली कॉपी करती हूँ अरे बहन देखो ये गणेश जी का ये हाथी का
भगवान ही करते हैं ना तो पानी का। अभी मम्मा बनाएगी कचौड़ी का स्टफ। यू नो दैट मम्मा अभी बनाने जा रही है स्टोरी का स्टफ। स्टोरी का स्टफ कचौड़ी कचौड़ी। तो गाइस अभी तुम सुने हो तो प्रियांशु भैया भी आपसे बात कर रही हूँ मेरी आवाज में। और आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। इटली हैप्पी न्यू ईयर। पूरा जनवरी न्यू ईयर रहता है प्रियांशु का। दीदी यू नो दैट यस द न्यू ईयर इज फुल मंथ। और परसों मकर संक्रांति है। परसों है संक्रांति जिसमें आगे पतंग नहीं उड़ पाएगा क्योंकि कोविड। गाइस परसों ही मकर संक्रांति जिसमें मटन नहीं उड़े पतंग नहीं उड़ पाएगा। ओए उस दिन मुझे बहुत बोरिंग लगता है। क्यों पतंग नहीं उड़ाऊंगा ना। तुमको ऐसे नहीं आता तो कौन रहता था इतना साथ से। मामा सोमू मामा सोमू मामा। ओह माय माय ओह माय गुड फ्रांकी का ये सेकंड वो है मकर संक्रांति। हाँ फ्रांकी का ये है सेकंड संक्रांति ऑफ अ मकर। आपको दिखाता हूँ मैं किचन में सब कुछ। ओ कान बेसन नहीं हम बता रहे हैं क्या क्या डाल रहे हैं। सबसे पहले सरसों तेल मस्टर्ड ऑयल किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा डालेंगे। अच्छा ठीक हम बोलता ऐसा रहो कि तुम ही को बनाना है। उसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा उसमें सॉल्ट हींग गोलकी पाउडर और हल्दी पाउडर। सॉल्ट हींग गोलकी और सॉरी हल्दी। आप इसको देख के बना सकते हैं। हाँ जी तो ये एक रेसिपी अलग बात है। हाफ व्लॉग हाफ रेसिपी वीडियो हो गया। हाँ मेरा तो ये लंबा व्लॉग हो गया आज का थोड़ा सा इसलिए माफ कीजिएगा। इसको गर्म होने में कितना टाइम लगता होगा। थोड़ी देर बढ़ता है यार इसको गर्म होने के बाद। तो ये दालचीनी है। हाँ। कुकिंग करना भी एक बहुत अच्छा चीज़ है गाइस और मेहनत का चीज़ है। हाँ जी जो तुम करते नहीं। मैं करता हूँ तुमका अच्छा चीज़। अच्छा अच्छा ये है बेसन सत्तू थोड़ा स्मेल आएगा इसमें सोना था तब सत्तू डाल के थोड़ा फ्राई कर देना 5 मिनट तक बस। लेट्स पार्टी यार सत्तू इसको क्या बोलते हैं मम्मा। सत्तू को सत्तू ही ना बोलेंगे। हाँ सत्तू को सत्तू ही बोलते हैं। नहीं कुछ बेसन टाइप बोलते हैं। बेसन अलग चीज़ है। ये भुना चना का बनता है और वो कच्चा चना का बनता है। इसको रोस्ट चना को रोस्ट करके तब उसका पाउडर बनाते हैं। मतलब दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिमिलर है। सत्तू मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या वो अच्छा लगता है सत्तू का चोखा यार। चोखा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना। स्टफ कचौड़ी में अच्छा लगता है सत्तू। क्या कचौड़ी में ये स्टफ कचौड़ी में सुंदर स्मेल आ रहा था तो मम्मा ने डाल दिया था। मैं थक गया। अरे कॉन्सेंट्रेट करने दो ना। मैंने मम्मा के साथ आज देखा है इसका इंग्रेडिएंट्स है उसके बाद डालना है। अच्छा बनाया करा है। इसमें हींग भी है ना इसमें हींग का स्मेल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ लाइट पड़ रहा है इसलिए
ब्राइन टाइप दिख रहा है, इसमें लाइट नहीं पड़ रहा है तो डार्क डार्क टाइप दिख रहा है ओली दिख रहा है. व्हाट इज दिस वन? अंशिका अगर इतना देर किचन में रहे वो तो पसीना से वो हो जाए और बोलेगी अब हमको किचन में नहीं जाना है. खाना बनाने के लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है. पेशेंस के साथ बनाओगे खाना उतना अच्छा टेस्टी बनेगा. मैं भी अच्छा बनाता हूँ ना खाना. बना ही क्या होगा, अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत अच्छी. दीदी भी बनाती है. क्या बनाई? मैगी बनाती है, मैगी बनाती है. कॉफी तो मैं भी बनाता हूँ. रेडी है ठीक है. मिलते हैं आपको थोड़ी देर में. बाय. ये देख कौन सा फिल्टर है. तो ये आटे आई मीन मैदे और ये है सत्तू. हाँ सत्तू दूध मैं बहुत अच्छा आ रहा है. ये गाइस है सत्तू. अब वो बनेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे नॉर्मल ब्लॉग और रेसिपी ब्लॉग अलग से मैं डाल दूंगा. हाँ पहले मैं वीडियो लंबा ना बना वो तेज हो रहे हो. खंडित होता बापरे कितना हार्ड. अरे पिक्चर तो ये बन चुका है एक उसका वो शंकर भगवान को गले में सब. हाँ आए थे ना कौन शंकर भगवान हैं आए थे. क्या बोले दादी पूछ रही है शंकर भगवान को गौर से एक गौर से बाद इसमें करे कैसे नॉर्मली देखी हो लोग. हाँ हाँ मिलते रहते हैं. तुम क्या उल्टा फोन करके कर रहे हो है? ये एक बन चुका है और दूसरा बन रहा है. तो ये बन चुका है एक कटोरी. हाँ, ऐसे बनाया था. और इस पे कटोरी और इसको आप ऐसे मोदक बना लेना है. उसके बाद मोदक को वापस गोल कर देना है. हाँ, मोदक को लड्डू बना देना है. आई मीन पेड़ा. तुम क्या मिठाई का नाम लिए जा रही हो? क्यों उसके बाद थप्पड़ी थप्पड़ उसको थप्पड़ से मारना है फिर उसको रिफाइन में डालिएगा उसका गाल लाल हो जाएगा फिर वो रोने लगेगा. गाल लाल होने के बाद रोएगा. पहले कैसे रोएगा? आंख से आंसू से. तो ऐसे ही जब इसका पूरा बनाना ना मिलता है उसको जब ये छाने का तब बाय. ओ गाइस ये रहा फाइनल कचौड़ी जिसके खाने को मेरे को कुछ नहीं चाहिए. बहुत टेस्टी है. आप लोग भी रेसिपी जरूर ट्राई करना. तो मुझे आपको खा के जरूर ट्राई करना. तो फ्रेंड्स हमने कचौड़ी खा ली है और बस आज का ब्लॉग यही एंड करते. मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में. टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज अंशिका ब्लॉग्स. दादा बहुत बाय बाय.